आमतौर पर प्राणवायु से ही आपकी सांसें और विचार प्रक्रिया चलती है। ऐसा हुआ तो शरीर में जड़ता आ जाएगी। नाभि और गले के गड्ढे के बीच आपके प्राण सही तरीके से काम नहीं करेंगे। आपकी सांसें, विचार प्रक्रिया और सूंघने की शक्ति कम हो जाएगी। एक जीवंत इंसान बनने के लिए ये तीनों बहुत जरूरी हैं। शरीर में कई तरह की हलचलें होती हैं। सभी इसे कुछ हद तक जानते हैं। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप खून के प्रवाह के बारे में सोचते हैं और दूसरी ग्रंथियों के बारे में भी, जिनसे आपका मूड और अनुभव तय होते हैं। पर उससे भी गहरा कुछ है। यानी पहली चीज है ऊर्जा की गति। सिस्टम में सभी वायुओं की हलचल में रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो शरीर में, विशेष रूप से सिर में, महत्वपूर्ण मार्ग हैं। अगर ये मार्ग ब्लॉक हो जाएं, keeping yourself up in an exuberant way is a great effort, तो खुद को उल्लासित रखना मेहनत का काम होगा। तो इसे आधार मानते हुए हम अगली 5 पूर्णिमाओं पर उस सिस्टम को समझेंगे जिससे आनंद और उल्लास पैदा होता है। तो ये सिस्टम क्या है, हमें क्या करना चाहिए? वायु शब्द का अर्थ है वो जो चलता है। इसे आम तौर पर हवा कहते हैं। अभी यहां तेज हवा है, यह आसानी से महसूस हो रही है। हवा से कई चीजें हिल रही हैं। तो वायु नाम का ये पहलू जो गति करता है, ये एक तत्व है। विदइन द बॉडी, शरीर में ये बुनियादी रूप से 5 वायुओं के रूप मौजूद हैं। अगर आप इसे और गहराई से समझना चाहें तो 10 वायु हैं। अगर आप सभी पेचीदगियां जानना चाहें तो 84 वायु हैं, पर वे बहुत सूक्ष्म हैं। उन्हें अच्छे से समझने के लिए आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे। आमतौर पर अगर आप 5 वायुओं को सक्रिय कर लें तो बाकी भी सक्रिय होकर काम करने लगेंगे। इनका नाम वायु है क्योंकि सिस्टम की हर हलचल इनसे होती है। पाचन प्रक्रिया में हलचल इन्हीं 5 वायुओं से होती है। चक्र चलने चाहिए, पोषक तत्व शरीर में फैलने चाहिए, कोशिकाओं या सेल्स से कचरा साफ होना चाहिए। हर चीज के लिए हलचल जरूरी है। अगर हलचल रुक जाएगी तो आप देखेंगे कि शरीर में जीवन टिक नहीं पाएगा। तो ये हलचल पूरी तरह से हो रही है या आधी अधूरी है, हम इसी पर ध्यान देना चाहते हैं। सांस लेने का सही तरीका क्या है? आप बच्चों को देखिए, आप पाएंगे कि सोते समय बच्चों की सांसें काफी हद तक गले के गड्ढे से नाभि के बीच होती हैं। उसका पेट नहीं फूलता, बस यहां से यहां तक, यहां नहीं। बड़ी उम्र के कुछ लोग शायद पूरे पेट से सांस लेने लगे हों। ऐसा होगा तो शरीर में जड़ता आ जाएगी। अगर आपकी नाभि के नीचे गैस पैदा होती है, यानी अगर आप वैसी चीजें खाते हैं जिन्होंने इनर इंजीनियरिंग की है, उन्हें हम ये बता चुके हैं, अगर आप बहुत ज्यादा कंद युक्त या ट्यूबरस चीजें जैसे आलू वगैरह खाते हैं तो आपकी नाभि के नीचे गैस पैदा होगी।
वहां गैस पैदा होने से नाभि और गले के गड्ढे के बीच आपके प्राण सही तरीके से काम नहीं करेंगे और आपके सिस्टम की गतिशीलता कम हो जाएगी। इसीलिए जो लोग ध्यान करना चाहते हैं, जो छात्र हैं या जिन्हें अपना दिमाग केंद्रित करना है और लंबे समय तक जागना है, उन्हें वे चीजें नहीं खानी चाहिए। आज दुनिया भर में ऐसा हो रहा है, जैसे जैसे दुनिया के लोग या मूर्ख सोचते हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा आधुनिक हो रहे हैं, उनका भोजन उतना ही पुराना होता जा रहा है। वे सोचते हैं ताजा भोजन असभ्यों के लिए है। जो खुद को सभ्य मानते हैं वे सुपर स्टोर से एक बॉक्स खरीदते हैं जिस पर लगा प्लास्टिक वे फेंक देते हैं, ये जानते हुए कि इससे पर्यावरण को नुकसान होगा। और कैन आम तौर पर प्लास्टिक या एल्यूमिनियम का होता है। वे उसे माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, जो खाने से पहले एक और गलती है। ये शायद कम से कम 3 महीने पुराना हो। नहीं नहीं, वो रेफ्रिजरेटर में था, उसमें प्रिजर्वेटिव हैं ताकि वो भोजन खराब ना हो। ये दोहरी भूल है। अब योग परंपरा में आपको हर पकी हुई चीज ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे में खा लेनी चाहिए। कुछ चीजों के लिए 4 घंटे तक ठीक है, उसके बाद नहीं खाना चाहिए। वो चाहे जितना भी स्वादिष्ट या अच्छा हो, उसे छूना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे सिस्टम में गैस बनेगी। गैस बस केवल पेट में ही नहीं है, जो आप आसानी से महसूस कर सकते हैं, पर आपके सिस्टम में वायु बनेगी जो आपकी प्राण वायु के खिलाफ काम करेगी, यानी उससे आपकी सांसें, आपके विचार और आपकी सूंघने की शक्ति, ये चीजें धीरे धीरे कमजोर होती जाएंगी। एक जीवंत इंसान बनने के लिए ये तीनों बहुत जरूरी हैं। ये सभी प्राणों को अलग अलग मात्राओं में सक्रिय करने के अलग अलग तरीके हैं। तो एक सरल चीज आप ये कर सकते हैं, करीब 6-7 मिनट तक आप देखेंगे कि सिस्टम में फिर से ऊर्जा आ जाएगी।